अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, और दुआ है जहाँ पर भी रहें आप लोग खुश रहें। और इसी दुआ के साथ करते हैं आज का व्लॉग शुरू। और आज का व्लॉग जो है ये मैं ब्रंच टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ। ब्रंच में जो है सिस्टर ने बनाया थी सागुदाने की खीर, और बहुत मज़े की बनी थी, शुगर फ्री बनाई थी। तो आप लोग भी हैरान होंगे, खीर और वो भी शुगर फ्री। तो जी बिल्कुल मैं वाइट शुगर यूज़ नहीं करती हूँ। अब ये मत कहिएगा कि जी चीनी का बहराना है इस वजह से नहीं करती। मैं जो हूँ नेचुरल स्वीटनर यूज़ करती हूँ, या छुहारे डाल लेती हूँ, या खजूरें डाल लेती हूँ, या किशमिश वगैरह ऐड करती हूँ, या फिर शक्कर। तो ये काफ़ी हेल्दी ऑप्शन होता है। आप लोग भी कोशिश करें कि वाइट शुगर को कम से कम इस्तेमाल करें। एक तो बजट पे भारी नहीं होगी, और दूसरा हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और सागुदाना तो वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, और स्टमक के लिए तो ये और ही अच्छा है। और यहाँ पर जो है मेरी सिस्टर ने गिरा लिया था अपने ऊपर सागुदाना, और फिर वो कपड़े धोकर आई थी। तो खैर इस तरह होता है जब बंदा जो है जल्दी में खा रहा होता है, या उसका ध्यान जो है कहीं और पर होता है। मेरे साथ तो अक्सर मर्तबा इस तरह होता है कि खाते खाते जो है खाना मुझसे गिर जाता है, क्योंकि मेरा ध्यान जो है कहीं और होता है। तो यहाँ पे जो है मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर लूँ ये कैप्शंस। मलका और शहजादियाँ अरके गुलाब से नहाया करती थी, कम अज़ कम आप अरके गुलाब से चेहरा तो धो सकती हूँ। इतना आई कैचिंग था ये कैप्शन के मैंने जो है इसकी स्नैपशॉट कर ली, और उसके साथ ही तलबीना का भी पोस्टर लगा हुआ था, और इस पर तलबीना के फ़वाद बताए हुए थे। तो सागुदाना खाने के बाद जो है दूध हम लोगों ने ले लिया था, उसमें हल्का सा हम लोगों ने अदरक ऐड किया था, और साथ में बॉयल एग। तो ये हो गया था लाइट सा नाश्ता। और उसके साथ साथ जो है मैं कंप्यूटर पर कर रही थी थोड़ी सी सर्चिंग, मामा के लिए न्यू ड्रामा जो है वो ढूंढना था कि उनको जो है नेक्स्ट कौन सा वाला ड्रामा लगा कर दें ताकि वो लोग बोर ना हों। मेरा गला थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, पता नहीं शायद मौसम चेंज हुए हैं, शायद मैंने ठंडा पानी पी लिया उसकी वजह से। तो थोड़ी सी मुझे मुश्किल हो रही थी वॉइस ओवर करने में, लेकिन फिर मैंने कहा कि मैं इसको बीच में नहीं छोड़ूंगी और यहीं से मैं जो हूँ कंटिन्यू करूँगी। तो उसके बाद मैं किचन में आ गई थी नाश्ते के बाद, और यहाँ पर जो है मुझे अपने लिए खाना तैयार करना था। और खाने में जो है मुझे चिकन और अंडों का सालन बनाना था, और बहुत यूनिक तरीके से मैं बनाती हूँ, अगर आप भी ट्राई करें तो। ये एक हेल्दी ऑप्शन है ग्रीन चिलीज़ वाला खाना, और जो है खाना हज़म हो जाता है, फैटी भी नहीं होता, और कुछ हैवीपन भी महसूस नहीं होता, और झटपट ये रेडी हो जाता है। तो मेरे खाने जो हैं इसी तरह इंस्टेंट रेडी होते हैं, क्योंकि जो है मैं कहती हूँ जल्दी से कुछ हल्का फुल्का बना लें, मैं ज़्यादा अहतमाम नहीं करती हूँ खाने पीने का। और आप लोगों को जैसे पता है मेरी वीडियोस से कि मैं ज़्यादातर स्नैक्स वगैरह करती हूँ, यहाँ पे सनफ्लावर सीड्स होते हैं या फ्रूट्स वगैरह जो हैं वो मेरी डाइट का हिस्सा हैं, तो इस वजह से मुझे कोई ऐसे इशू नहीं होता। तो मम्मी पापा आज घर पे नहीं थे, इस वजह से भी जो है थोड़ी सी सुस्ती थी, और मुझे नहीं था पर कि जो है मैंने इनके लिए क्या बनाना है, मम्मी को क्या देना है खाने में, पापा को क्या देना है, क्योंकि दोनों की ही जो है डाइट वो डिफरेंट होती है। तो आप लोग बताएं आप लोगों की लाइफ जो है वो कैसी चल रही है, और क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं आप लोगों की। मैं तो अपनी एक्टिविटीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ पे खाना तैयार करने के बाद जो है रूम में आ गई थी, थोड़ा सा फ्रूट लिया था। तो आप लोगों से भी मैं यही कहूँगी कि फ्रूट को अपनी डाइट में ऐड करें, हेल्दी ऑप्शंस की तरफ आएँ, हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाएँ, और इम्यूनिटी आपकी मज़बूत होगी। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि फ्रूट्स को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, और बीमारियों से दूर रहें। तो जितना अच्छा आपका लाइफस्टाइल होगा, जितनी अच्छी आपकी डाइट होगी, सेहत होगी, तो फिर कोई भी बीमारी जो है आपकी बॉडी पर अटैक नहीं करेगी। तो मेरे जो पेरेंट्स हैं वो फ्रूट नहीं खाते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि कोई ना कोई स्मूदी मैं बना लूँ और वो उनको दूँ। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक वेट लॉस का कहवा भी शेयर करूँगी, और ये बहुत अच्छा, बहुत इफ़ेक्टिव है, और कोई इतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ किचन में मौजूद जो हैं चंद इंग्रेडिएंट्स ये बनता है, और आप यकीन करें कि इसको यूज़ करते हुए मुझे हो गए 20 डेज़, और 20 डेज़ में मैंने अपना वेट जो है वो 3 kg लूज़ कर लिया विदाउट एक्सरसाइज। तो करना क्या है कि आपने जो है किसी भी बॉटल या जग में जो है 2 तुरियां लहसुन, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा,
एक चम्मच सौंफ, एक चम्मच कलौंजी, एक चम्मच ज़ीरा और आधा चम्मच जो है ब्लैक पेपर पिसी हुई वो डाल देनी है और पानी डाल के ओवर नाइट रख देना है और नेक्स्ट डे जो है इसको 2 to 3 minutes जो है बॉईल करना है। तो ये जो ऊपर जो आपको झाग नज़र आ रही है झाग आप रिमूव कर दें, ठीक है। हल्की लाइट पे इसको करना है बॉईल और उसके बाद इसको स्ट्रेन कर लेना है। तो अगर आपको पिसी हुई ब्लैक पेपर से एलर्जी होती, बहुत सारे लोगों को होती है एलर्जी, तो आप पिसी हुई ना डालें, आप होल ब्लैक पेपर इसके अंदर ऐड कर लें। तो ये तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये वेट लॉस के लिए स्पेशली लोअर बेली फैट कटर है, ठीक है, वेट लॉस के लिए बहुत इफ़ेक्टिव हैं। तो बीच में जो है कुछ दिन ये जो कहवे का पल्प निकला था इसको मैंने डिस्ट्रॉय नहीं किया था और ये मैंने खाया था, लेकिन उसके बाद जो मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो अब मैं इसको डिस्ट्रॉय कर देती हूँ और सिर्फ जो है ये कहवा मैं दिन में 2 times लेती हूँ, यानी मॉर्निंग में और इवनिंग में। तो फ्रेश ही बनाती हूँ। और उसके बाद आप लोगों के साथ मैं एक और चीज़ शेयर करूँगी कि जो है अपनी आप डाइट में ऐसी चीज़ें शामिल रखें कि जिससे बहुत ज़्यादा भूख भी ना लगे और जो है आपको वीकनेस भी ना महसूस हो। तो कॉर्न्स भी उसमें से एक ऐसी हेल्दी ऑप्शन है, ठीक है। मैं जब भी बाज़ार जाती हूँ मैं कॉर्न्स लाजमी लेकर आती हूँ। तो यहाँ पर कॉर्न्स जो है मैंने फ्रीज़ कर दिए थे उसको छीलकर, और उसके बाद जो है मेरी सिस्टर ने मोबाइल लगा लिया था तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे जुनैरा माहम का चैनल और उसके जो हम लोगों ने कमेंट्स देखे तो वहाँ पे इतने अजीब अजीब कमेंट्स आए हुए थे। लोग कह रहे थे कि जुनैरा माहम जो हैं सोशल मीडिया की फापे कुटनी हैं और जो महरीन हैं यूट्यूबर, ठीक है, वो उनकी छोटी बहन है, और सैयद हैदर अली को कह रहे थे कि ये जो है मेल वर्जन है जुनैरा माहम का। कुछ ने तो यहाँ तक यह कमेंट किया था जुनैरा माहम का जो चैनल है उस पर ऐसी ऐसी खबरें होती हैं कि बंदा कानों को हाथ लगा ले, और वो खबरें इस तरह बताती हैं कि अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर ये हुआ और उसके बाद ये हुआ और हमने पूरी तहकीक की। और कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि किसी ने अपना दिमाग ख़राब करना हो तो वो आ जाए जुनैरा माहम के चैनल पे, उस अच्छे भले बंदे का दिमाग ख़राब होके रह जाता। तो वाकई मैंने भी फिर कुछ ऐसी वीडियोस देखी और मुझे इन विज़िटर्स के कमेंट से इत्तफाक़ करना पड़ा, क्योंकि हम लोग जो हैं कोशिश करते हैं कि ऐसी चीज़ों से दूर रहें, लेकिन ये लोग जो हैं उन्हीं चीज़ों को बार बार पॉइंट आउट करते हैं और एक बात को इतना लंबा खींच के करते कि अच्छे भले बंदे का दिमाग ख़राब हो ही जाता है। और उसके बाद मैंने डिनर के लिए बना लिया था बेसन का चीला और खीरे का रायता। तो बहुत अच्छा हेल्दी ऑप्शन है बेसन का चीला भी वेट लॉस के लिए, और जो है आपको बिल्कुल भी फिटीक महसूस नहीं होने देता, कमज़ोरी नहीं महसूस होने देता। और इंडियंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बनाते हैं बेसन के चीले और डिफरेंट स्टाइल के बनाते हैं। तो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो उसमें भी मैंने डिफरेंट स्टाइल के बेसन के चीले जो हैं वो शेयर किए हुए हैं। तो अगर आपने कभी नहीं ट्राई किया तो बेसन का चीला ज़रूर एक दफ़ा आप ट्राई करें, और आपको यकीनन ये रूटीन की जो कुकिंग है उससे हट के मज़ा देगा। खाना खाने के बाद हमारा हो गया था ड्रामा टाइम, और उससे पहले जो है किचन वगैरह हमने साफ़ कर लिया था। तो ड्रामे में हम देख रहे थे कोरियन ड्रामा लव अलार्म इंग्लिश सबटाइटल के साथ, और बहुत अच्छी इसकी स्टोरी थी। तो इस दौरान में मैंने जो है ओपन कर लिए थे पाइनएप्पल बाइट्स। तो थोड़े से ये स्वीट हैं तो मुझसे ये खाया जाता है, अदरवाइज़ पाइनएप्पल इतना सोर होता है कि वो मुझसे बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। तो मैं कभी भी जो हूँ जाऊँ स्टोर पे और मुझे वहाँ पे ये टिन वाले पाइनएप्पल नज़र आए तो मैं ये ज़रूर लेकर आती हूँ। तो सिस्टर मुझे कह रही थी कि आप खुद ही पाइनएप्पल खा रही हो, थोड़ा सा मुझे भी शेयर कराओ। मैंने कहा हाँ हाँ ज़रूर आ जाओ और आप भी इसमें से जो है ले लो, लेकिन उसको जो है मीठे वाले पाइनएप्पल बिल्कुल भी नहीं पसंद है। पाइनएप्पल खाने के बाद जो है हम लोगों ने ड्रामे को एंजॉय किया, और उसके बाद कार्विंग हो गई थी चाय की, लेकिन मेरी सिस्टर ने कहा कि नहीं चाय नहीं, हम जो है कैरमल मिल्क ले लेते हैं। और फिर मैंने कैरमल मिल्क बना लिया था और ये बहुत मज़े का बनता है। जस्ट आपने इसमें क्या करना है कि देसी घी को एक चम्मच लेकर उसको हीट अप करना है, और उसके अंदर 2 चम्मच जो है ब्राउन शुगर यानी शक्कर के ऐड करने, और जब वो मेल्ट हो जाए तो उसके अंदर जो है आपने दूध डालकर उसको
निकाल लेना है। तो ये आपका कैरामल मिल्क रेडी हो गया। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, आपको कैसा लगा है? और अगर आप चाहते हैं कि इस कैरामल मिल्क की रेसिपी मैं सेपरेट शेयर करूँ तो इनबॉक्स में कमेंट करें। यहाँ चाहूँगी मैं आपसे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह निगेबान।